सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। सो गाइज, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे एक टॉगल स्विच बना सकते हैं HTML एंड CSS की हेल्प से। सो गाइज, सबसे पहले आपको अपना कोड एडिटर ऑन करना है एंड वहाँ पे आपको बॉयलर प्लेट लिखनी है HTML की। सो मैं फटाफट लिख लेता हूँ गाइज। टाइटल भी हम दे देते हैं, हाउ टू मेक टॉगल स्विच। ओके गाइज, एंड हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इंटरनल CSS ही डालेंगे हम। एंड यहाँ पे स्टाइल टैग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, एंड फिर हमें बॉडी में आना है एंड यहाँ पे हमें एक डीव लेना है एंड हमें उसकी आईडी देनी है। आईडी नहीं, क्लास गाइज, क्लास देंगे हम इसे बॉक्स। ओके, एंड इसमें हमें इनपुट टैग लेना है एंड इसका टाइप चेंज करना है हमें चेक बॉक्स। हो गया गाइज, एंड हमें नेम एंड वैल्यू की अभी कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसे हटा देते हैं। ओके गाइज, एंड ये हो गया हमारा। एंड यहाँ पे हमें एक स्पैन टैग करना है। सो ये हो गया गाइज, अब हमारा सारा CSS का होएगा। पहले हम देख लेते हैं क्या हो रहा है अभी, हमारा कैसा दिख रहा है। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। नो, सेव किया एंड रिफ्रेश। तो गाइज हमारा अभी बस ये चेकबॉक्स आ रहा है यहाँ पे। ओके, एंड अब हम स्टाइल करना शुरू करते हैं गाइज। तो सबसे पहले आपको अपना वही यूनिवर्सल इंडिकेटर लेना है एंड उसमें पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0 कर देना है। पैडिंग टॉप नहीं, पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0 गाइज, मार्जिन 0। ओके, ये हो गया। एंड इसके बाद हमारा फर्स्ट क्लास थी बॉक्स, सो हमें डॉट बॉक्स लिख के कर्ली ब्रेसेस। एंड अब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते हैं, पहले इसको सेंटर में लाने के लिए ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे, फिर ट्रांसलेट। ओके, अब यहाँ पे हमें 150 पिक्सल्स एंड हमें यहाँ पे भी 150 पिक्सल्स डालने हैं गाइज। ओके, ये हो गया। अब इसके नीचे यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगाना था। ओके, हो गया। पोजीशन इसकी रिलेटिव करनी पड़ेगी हमें, रिलेटिव हो गई है गाइज। इसके बाद हमें इसके विड्थ भी देनी पड़ेगी, विड्थ हमें इसे देनी होगी 90 पिक्सल्स, सही रहेगा इसके लिए। एंड उसके बाद इसकी हाइट, हाइट कितनी दे, अप्रोक्स 39 पिक्सल सही रहेगा। एंड उसके बाद हमें इसके बॉर्डर देना होगा, बॉर्डर। सो बॉर्डर हम दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। ओके गाइस, हो गए। एंड इसके बाद हमें इसे जेड इंडेक्स देना होगा, जेड इंडेक्स -2। एंड उसके बाद बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस हमें देना होगा 50 पिक्सल्स का। सो देखते हैं कैसा दिख रहा है अभी। सो ये हमारा यहाँ पे तो आ चुका है, अभी कुछ भी हमें दिख नहीं रहा है। पहले मैं बॉडी का कलर भी ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि मैंने उसे बॉर्डर रेडियस वाइट ही दिया है। सो मैं बॉडी को बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक। ये हो गया, अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। सो गाइस, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, ऐसा कुछ। अभी हमें इसे काफ़ी स्टाइल करना है। सो हमारा यहाँ पे बॉक्स हो चुका है एंड इसके बाद हमारा इसमें था इनपुट। सो डॉट बॉक्स एंड उसमें इनपुट कर्ली ब्रेसेस एंड फिर उसमें हमें विड्थ देनी होगी इसकी 100, विड्थ 100% एंड हाइट 100%, ताकि ऊपर बॉक्स वाली हाइट इनहेरिट कर ले। एंड ओपेसिटी देनी होगी हमें इसे 0 एंड कर्सर इक्वल टू पॉइंटर कर देते हैं, पॉइंटर। ये हो गया। एंड इसके बाद हमें स्पैन टैग को स्टाइल करना है,
ओके एंड इसके नीचे स्पैन, सो यहाँ पे अब हमें स्पैन लिखना है, पैनी स्पैन। सो ये हो गया एंड अब हमें स्पैन टैग को पोजीशन देनी होगी एब्सोल्यूट, क्योंकि हमने ऊपर बॉक्स को रिलेटिव दी हुई है एंड हमें इसको टॉप देना होगा 2.5 पिक्सल्स का एंड उसके बाद फिर लेफ्ट वो भी 2.5 पिक्सल्स का, ओके एंड फिर विड्थ देनी होगी इसे, विड्थ क्यों नहीं आ रहा बाय डिफॉल्ट, मैक्स विड्थ नहीं, विड्थ ओके गाइस ये हो गया है। अब विड्थ हम इसे दे देते हैं 35 पिक्सल्स एंड हाइट भी सेम दे देते हैं, हाइट 35 पिक्सल्स की, ठीक है इतना हो गया है। अब हमें इसे देना होगा जेड इंडेक्स, सो इसे हम -1 देंगे जेड इंडेक्स -1, ओके एंड बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस हमें इसे देना है 50 पिक्सल्स एंड इसके बाद हमें इसे देना है ट्रांजिशन जो हमें स्मूथ इफेक्ट दिखाएगा, ट्रांजिशन ऑल कर देता हूँ ताकि सारा अच्छे से हो, 0.4 सेकेंड ये हो गया है, 0.4 सेकेंड मतलब 0.4 ऐसे भी हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर। एंड हमें इसे देना है RGB फॉर्मेट में है, RGB ओके सो RGB फॉर्मेट में ये नहीं तो वो था 255 ओके ये हो गया। अब हम देखते हैं कैसा दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा अब गाइस क्योंकि हमने ओपेसिटी 0 कर दी थी उसकी, नो यहाँ पे कॉमा नहीं देना, अब एक बार वापस रिफ्रेश करते हैं। सो गाइस ये यहाँ पे तो आ चुका है ओके एंड अब हमें इसे जब भी हम इसे करें चेक सो ये यहाँ पे मूव हो जाए वो करना है। सो गाइस अब उसके लिए हमें कुछ ऐसे लिखना होगा डॉट बॉक्स में जो हमारी इनपुट है चेक्ड हो जाए जब, उसके बाद हमारा जो ये स्पैन टैग है इसमें ये वाली प्रॉपर्टी हो, सो इसमें ट्रांसफॉर्म लिखना होगा हमें, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट देन ट्रांसलेट 145% ओके एंड हमें इधर स्केल देना होगा, इसके बाद हमें यहाँ पे स्केल देना है, स्केल हमें देना है इसे 1 बस, ये हो गया एंड इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर वो भी चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर हमारा हेक्साकोड में है 1651FF, सो हो गया देखते हैं कैसा दिख रहा है, रिफ्रेश किया टच किया, सो गाइस देखिए ये ब्लू हो चुका है और कितना स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे, तो गाइस इतना हो चुका है रिफ्रेश एंड देखते हैं ये कैसा दिख रहा है, थोड़ा और जूम कर देता हूँ गाइस, गाइस देखिए कितना स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है इसके, इस बॉल का कलर भी ब्लू हो गया है एंड जब हम इस पर वापस क्लिक करते हैं तो ये वाइट हो जाती है और वापस आ जाता है, देखिए कितना सही है ओके गाइस। सो गाइस आज का चैलेंज है कि जब भी हम इसे क्लिक करें इस बॉल के साथ इसका जो ये बॉर्डर है ये भी सेम कलर का हो जाए एंड ये पीछे का बैकग्राउंड वाइट। सो गाइस ये आज का चैलेंज है और आप सोर्स कोड को कमेंट भी कर सकते हैं या मुझे इंस्टा पे DM कर दीजिए, वहाँ पे मैं चेक कर लूँगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, आज के लिए इतना ही एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, थैंक यू।